8 जुलाई 2022, यानी अभी से तकरीबन 2 महीने से भी कम वक्त बच चुका है थॉर लव एंड थंडर के रिलीज में। लेकिन इस मूवी के ट्रेलर का ना कोई अता ना कोई पता है, और जैसा कि मार्वल की मूवीज महीनों पहले अपने ट्रेलर्स को रिलीज करती हैं, आखिर इस मूवी के साथ कौन सी दिक्कतें आ रही हैं जो इसके ट्रेलर के साथ इतना टाइम लग रहा है। और जैसा कि आप में से बहुतों ने हमें कमेंट्स में थॉर 4 के ट्रेलर के बारे में पूछा था, मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ही बना दी जाए। तो चलिए मिलकर इन्वेस्टिगेट करते हैं कि थॉर 4 का ट्रेलर आखिर क्यों नहीं हमें अब तक देखने को मिला, और ये पॉसिबली हमें कब तक देखने को मिल सकता है। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। थॉर लव एंड थंडर अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन इसने एमसीयू के एक रिकॉर्ड तोड़ दी है जो कि फैंस के लिए बहुत अनोइंग है, और वो है ट्रेलर को रिलीज डेट से सबसे लेट में लॉन्च करना, जहां पर रिलीज में सिर्फ और सिर्फ 90 दिन से भी कम बच गए हैं और अब तक ट्रेलर का कोई भी अता पता नहीं है। और इससे पहले इस रिकॉर्ड को होल्ड किया था 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी ने, जिसने अपने रिलीज के 93 डेज पहले अपने ट्रेलर को लॉन्च किया था। और फॉर अ कंपैरिजन, यूजुअली एमसीयू मूवीज के ट्रेलर्स को 6 महीने पहले लॉन्च किया जाता है, जहां पर पहली एवेंजर्स मूवी की ट्रेलर को इसकी रिलीज से 280 दिन पहले लॉन्च किया गया था, जो इसे रफली 9 से 9.5 महीने के आसपास बनाता है। वहीं पर बात करें अगर लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स की, तो यहां पर ब्लैक विडो को 150 दिन, शैंग-ची के ट्रेलर को 136 दिन पहले और स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर को 116 दिन पहले लॉन्च किया गया था। और उम्मीद तो यही लगाई जा रही थी कि थॉर रैग्नारोक के ट्रेलर को भी लगभग 150 से 200 दिन पहले लॉन्च कर दिया जाएगा, लेकिन देखना होगा कि इस महीने भी ये नया रिकॉर्ड टूटता है कि एक और नया रिकॉर्ड सेट होता है। वेल, अब सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर आखिर ये डिले हो क्यों रहा है। वेल, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि यहाँ पर थॉर अभी तो फिलहाल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वन ऑफ द ओरिजिनल एक्टिव एवेंजर्स में से एक है, जिसके कारण मार्वल स्टूडियोज ये मौका इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता। यही कारण है कि वो बहुत सारे रीशूट्स और स्पेशल इफेक्ट्स पर काम कर रहा है। और यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे लोग इस बात को थियोराइज कर रहे हैं कि इस पैंडेमिक की सिचुएशन में एक अच्छा आउटपुट पाने के लिए मार्वल स्टूडियोज इस मूवी को जानबूझकर हाइप अप कर रहा है। ऊपर से इस मूवी के अंदर हमें बहुत सारी चीजें एक साथ दिखने वाली हैं, जैसे कि जेन फॉस्टर की थॉर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, गॉड द गॉड बुचर, और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ज्यूस के साथ ओलंपियन गॉड्स का इंक्लूजन। और क्या पता मार्वल स्टूडियोज ने एक्चुअली कौन कौन सी चीजें छुपाई हो इस मूवी के अंदर, जो हमें मूवी देखने के बाद ही पता चले। साथ ही साथ कुछ रूमर्स के हिसाब से ये मूवी एक्चुअली 95% स्पेस में सेट होगी, और अगर इन सब चीजों का हिसाब किताब लगाया जाए तो स्टूडियो को बेशक इस मूवी के VFX में काम करने पर एक अच्छा खासा टाइम लग रहा है, और ये भी एक पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है। ऊपर से पिछले महीने ही इस मूवी के कई सारे रीशूट्स भी चालू हुए हैं, जहां पर टाइका वाटिटी ने खुद हिसाब लगाया था कि ये मूवी एक्चुअली जून तक कंप्लीट नहीं हो पाएगी। वहीं पर कुछ ऐसे भी स्पेकुलेशंस है कि यहां पर मार्वल स्टूडियोज एक्चुअली थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल मूवी रिलीज से पहले रिलीज नहीं करना चाहता, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के कई सारे स्पॉयलर्स हो सकते हैं, जो बेसिकली डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के कुछ इवेंट्स का ही नतीजा हो, जिसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा स्लिम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हमें कब तक ट्रेलर देखने को मिल सकता है। वेल, जैसा कि मैंने आपको सारे के सारे सिनेरियोस को समझाया है, पॉसिबली इसके ट्रेलर्स को अगर इसी महीने रिलीज किया जाएगा तो शायद 15 तारीख तक या इस महीने के अंत तक किसी भी प्रकार का ट्रेलर लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर इस बात को अनाउंस किया गया है कि थॉर 4 का प्रेस टूर चालू होने वाला है, जहाँ पर बेसिकली इस मूवी से जुड़े हुए कई सारे इंटरव्यूज को एक्टर्स और क्रिएटर्स शूट करना चालू करेंगे, और बिना ट्रेलर के उसे रिलीज करना इस बात का कोई सेंस नहीं बनेगा। साथ ही साथ इस मूवी से जुड़े हुए कई सारे मर्चेंडाइजेस को भी टीज करना चालू कर दिया गया है। और सबसे सोने पर सुहागा, इंडिया में थॉर के हिंदी डब के एक्टर गौरव चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर थॉर 4 के हिंदी डब के रैप को ऑफिशियली सेलिब्रेट किया है। यानी जाहिर सी बात है कि थॉर 4 का ट्रेलर यहाँ पर तैयार हो चुका है और इसकी इंटरनेशनल डबिंग पर काम चालू हो रहा है, और पॉसिबली आज से 5 से 10 दिन के अंदर अंदर ये ट्रेलर लॉन्च हो जाना चाहिए। सो गाइस, ये था एक बहुत ही छोटा सा क्विक थॉर लव एंड थंडर ट्रेलर अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस ट्रेलर के बारे में क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है ये ट्रेलर कब तक लॉन्च हो जानी चाहिए। हमारी आने वाली ऐसे ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए,
और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।